बगावत की पहली बरसी गद्दार दिवस के रूप में मनाएगी एनसीपी, खोखा दिखाकर करेगी प्रदर्शन। शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर बीजेपी के साथ बना ली थी सरकार। एनसीपी नेता नवाब मलिक को मिलेगी जमानत। सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। किडनी की बीमारी से ग्रसित मलिक को इलाज की सख्त जरूरत। मुंबई युवा कांग्रेस की बैठक में जमकर हुई मारपीट। संगठन अध्यक्ष को बदलने की मांग को लेकर दो गुटों के बीच जमकर चली कुर्सियां। बैठक छोड़कर गए वरिष्ठ नेता। उद्धव ठाकरे के सहयोगी ने औरंगजेब की मजार पर झुकाया सिर। प्रकाश आम्बेडकर ने औरंगजेब की मजार पर चढ़ाए फूल। बीजेपी शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे से मांगी सफाई। एनसीपी नेता अजित पवार ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर साधा निशाना। बोले राज्य में बढ़ रही अत्याचार और अपराध की घटनाएं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मांगा इस्तीफा। उद्धव गुट के एक और सिपाही ने छोड़ी पार्टी। शिशिर शिंदे ने उद्धव ठाकरे को सौंपा त्याग पत्र। बोले 4 महीने से मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। मुंबई के एक स्कूल में प्रार्थना के दौरान बजाई गई अजान। क्लिप वायरल होते ही मचा बवाल। स्कूल में धार्मिक प्रार्थना बजने पर टीचर सस्पेंड। पेरेंट्स बीजेपी और उद्धव गुट ने किया प्रदर्शन। मुंबई के तलोजा जेल में पानी के लिए मोहताज हैं कैदी। कैदियों की परेशानी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। जेल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी की स्वच्छता का मांगा ब्यौरा। मुंबई के 5-स्टार होटल ट्राइडेंट में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। आग होटल की ऊपरी मंजिल में लगी होने की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुणे में 30 साल से फरार डबल मर्डर के आरोपी को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी के दौरान की थी दंपत्ति की हत्या। नाम बदलकर कई शहरों में घूमता रहा आरोपी।